आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन खत्म हो चुका है। 10 टीमों ने अपनी सोच और समझ के साथ खिलाड़ियों को खरीद लिया, जिस दौरान ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने सबसे ज्यादा कीमत पर खरीदा है। आज के हमारे इस खास वीडियो में जानिए आईपीएल की 10 टीमों में कौन कौन और कितने विकेटकीपर खिलाड़ी हैं। सबसे पहले बात करेंगे टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में, जिसमें शेल्डन जैक्सन, सैम बिलिंग्स और बाबा इंद्रजीत जैसे विकेटकीपर खिलाड़ी हैं। बात करें अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो इस टीम में दिनेश कार्तिक, अनुज रावत और लवनीत सिसोदिया हैं। इन तीनों खिलाड़ियों में दिनेश कार्तिक सबसे दमदार विकेटकीपर हैं। यदि किसी कारणवश वह टीम के लिए नहीं खेल पाए तो हो सकता है कि इस टीम को भारी नुकसान भी हो जाए। सीएसके के पास भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ अंबाती रायडू और एन जगदीशन भी हैं। वहीं अब चर्चा करेंगे टीम पंजाब किंग्स की, तो इस टीम में प्रभसिमरन सिंह, जॉनी बेयरस्टो, जितेश शर्मा जैसे विकेटकीपर शामिल हैं। टीम राजस्थान रॉयल्स में संजू सैमसन, जॉस बटलर और ध्रुव जुरेल जैसे विकेटकीपर खिलाड़ी शामिल हैं। टीम दिल्ली कैपिटल्स के पास भारतीय टीम के हुनर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं और उनके साथ दो विकेटकीपर खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे, जिनका नाम टीम शेफर्ट और केएस भरत है। सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपिंग के खाते में निकोलस पुरन, ग्लेन फिलिप्स और विष्णु विनोद जैसे खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। इस बार के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने खिलाड़ी ईशान किशन को सबसे महंगा खिलाड़ी बना दिया है, लेकिन इसी के साथ हो सकता है कि टीम को किसी बड़े नुकसान का भोगी न बनना पड़ जाए, क्योंकि इस टीम में ईशान किशन ही दमदार विकेटकीपर हैं। यदि किसी कारणवश वह टीम के लिए नहीं खेल पाए तो आर्यन जुयाल के लिए यह टीम की बड़ी जिम्मेदारी संभालना मुश्किल न हो जाए। गुजरात टाइटंस, यह टीम भी आईपीएल के मैदान में नहीं है, जिसमें मैथ्यू वेड और रिद्धिमान साहा दो ही विकेटकीपर्स को खरीदा गया है। और अब आखिर में चर्चा करेंगे लखनऊ सुपर जॉइंट्स पर, जिसकी कप्तानी केएल राहुल संभालेंगे। आपको बता दें कि इस टीम में केएल राहुल के अलावा क्विंटन डिकॉक ही विकेटकीपर हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्त एवं रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें, और डेली के स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए बने रहें द वोकल न्यूज़ हिंदी के साथ।